हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंत्रा। जैसे कि मैंने अभी तक आपको टाइप 9 तक करा दिए, ये होगा आपका टाइप 10। इसमें जो क्वेश्चन है ये थोड़े इजी हैं, ठीक है, पर ये मुझे कराने इसलिए होगा कि ताकि आपका बेस कंप्लीट होए। तो आते हैं अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन दी रेशो 7:5। जब भी आपसे कहे दो नंबर रेशो में 7:5, इसका मतलब है 7/5, ठीक है। इसका मतलब है 7x 5x, ठीक है। ये वो दो नंबर है, अगर मैं इनका रेशो करता हूँ 7x/5x, तो क्या आता है 7:5, ठीक है। तो क्या है दो नंबर? ये है वो दो नंबर, ठीक। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो करता हूँ इनका प्रोडक्ट, 7x/5x इक्वल है 560 के, ठीक है। 560 के इक्वल है, तो 7 8 जा 56, ठीक है, और 7 8 जा 56 हो गया, और 5 1, ठीक, 5 6 जा 30, ठीक है। तो इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा 16, तो स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्या आ गई एक्स की वैल्यू 4, पर हमें एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें वे दो नंबर चाहिए थे। दो नंबर क्या है? वो दो नंबर ये है 7x और 5x। चलो मैं इसमें पुट करता हूँ एक्स के साथ, 7x की जगह डालता हूँ मैं 4, और इधर 5x की जगह डालता हूँ, एक्स की जगह डालता हूँ 4। तो ये तो आ गया 20, और ये आ गया 24 28, 7 4 28। तो इसमें से कौन सा स्मॉलर है? 28 स्मॉलर है, तो ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ थ्री नंबर एक्स वो 75। भाई हमें तो पता नहीं तीन नंबर कौन से हैं, मैं मान लो तो लेट थ्री नंबर्स आर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये कह रहा है मुझसे कि थ्री, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन नंबर का सम दे रखा है 75, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 75। अब ये जो सम का मतलब होता है ऐड, ठीक है, सम का मतलब होता है ऐड, ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ साथ। अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर, ये कह रहा है जो पहले टू दो नंबर है उनका रेशियो दे रखा कितना 3x। पहले जो दो नंबर है x और y का रेशियो दे रखा उसने 3:5, ठीक है। अब ये कह रहा है लास्ट के दो नंबर का रेशो, मतलब वाई और जेड का रेशो दे रखा है उसने 5:7। अगर आप देखो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, वाई की वैल्यू 5, यहाँ भी वाई की वैल्यू 5, तो जेड की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब ये मतलब यहाँ पर सेम है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, वाई जो है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी वाई 5 है, ठीक है, क्योंकि रेशो में है तो इसलिए ऐसा लिखा लिखा हुआ है 5/7 3/5। अब आप ऐसा करिए, इस पूरी इक्वेशन को एक वैल्यू में बदल लिए, कैसे, मतलब या तो एक्स एक्स में बदलिए सब, या जेड जेड में बदलिए, या वाई वाई में। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई उधर चला जाएगा 3y/5, कोई दिक्कत। यहाँ से मैं जेड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 7 इधर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और जेड किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ और इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत। एक्स की जगह में चलो मैं डालता हूँ 3y/5 + y एज इट इज, जेड की जगह 7y/5 = 75,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 5 एलसीएम लीजिए आप, यहाँ पर 3y, यहाँ 1 होगा तो 1 5 5y, 5 1 7y = 75। यहाँ ये सब तो आपको आता भी होगा एलसीएम लेकर के। 5 इधर चला जाएगा, क्या जाएगा, इस सब को ऐड करिए, 7 + 5 7y + 5y + 3y क्या हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से 15y हो जाएगा। ठीक, 5 इधर चला जाएगा, 75 × 5 15 के टेल में 75 कब जा था, 5 जा, तो y आ गया 25। ठीक है, y क्या आ गया, 25 आ गया है। ठीक है, y क्या आ गया, 25 आ गया। पर हमसे क्या कह रहा था, हमसे ये कह रहा था सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब ये जो y है, आप ये जो y है, या तो आप एक बार इसमें डालिए, ठीक, और एक बार आप इसमें डालिए, यहाँ से आपको z की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आगे। जिस y की वैल्यू क्या गई थी, 25 आई थी। अब x की, x क्या था, 3y/5, z क्या था, 7y/5। x की जगह मैं y की जगह 25 डालता हूँ मैं, ये 5 जो चल गया, ये 5 जो चल गया, 3 5 15 है और 7 5 35 है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 15, z की वैल्यू आ गई 35 और y की वैल्यू आपको निकाल ही दी थी हमने 25। हमसे ये कह रहा है इनमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा, वो है आपका z। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ टू नंबर 7, तो वो 3:7, तो दो नंबर को मैं कैसे लेता था, 3:7 दे रखा, तो इसे कैसे लेता था मैं, 3x और 7x, अगर मैं इनकी रेशियो करूँगा यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3:7 ही आएगा। ठीक है, दो नंबर क्या है, ये है। अब ये कह रहा है इन दोनों नंबर में आप जोड़िए क्या, 5। If 5 is added to each of them, 3x + 5 7x + 5। अब ये कह रहा है अब इनकी रेशियो हो जाएगी, मतलब कि 3x + 5/7x + 5 = 1:2। अब इनकी रेशियो ये हो गई है। मैंने कुछ नहीं करा अपनी तरफ से, जो क्वेश्चन में लिखा मैंने वही करा। 2 की अब मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 6 2 5 10, 7x + 5, ये इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, 10 - 5 7x - 6x, ये आ गया 5x आ गया। यहाँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है। हमसे कहा था दोनों नंबर चाहिए, हमसे कहा था दोनों नंबर चाहिए। दोनों नंबर क्या थे, एक तो 3x था, एक 7x था। अब आप यहाँ डालिए 3x और 7x, 3 की जगह 5 डालिए और यहाँ पर x की जगह 3x के साथ जो है x में 5 डालिए और 7x के साथ जो है x उसमें 5 डालिए। ये तो 15 आ गया, ये आ गया 35। तो ये रहे वो दो नंबर। ठीक है, हमने मैंने ये दोनों नंबर निकाल दिए, आप देखिएगा कैसे निकले हैं। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब आता है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1/4 जब आपको ऐसा दिखाई देना लिखा हुआ, इसका मतलब है 1/4, इसका मतलब होता है अपॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 1/4 ऑफ का मतलब होता है इनटू,
फिर वन अपॉन थर्ड इंटू ऑफ अ नंबर एक्स, कोई नंबर हमें पता नहीं क्या है, तो मैं तो ये क्या था एक्स, हमें तो पता नहीं कौन सा नंबर है, क्या नंबर है, मैंने लेट मान लिया एक्स है, और हमें दे रखा है 80, क्या दे रखा है 80 दे रखा है। अब आप देखिए एक्स अपॉन 4 3 12 इक्वल टू 80, ठीक, और 12 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 80 इंटू 12, और एक्स आ गया 12 इंटू 8 क्या हो गया 96 96 आ गया ना, हाँ 96, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 960। अब ये कह रहा है हमसे कि इसका 20% बताइए, 20% कैसे लेते हैं, 20 ऊपर अपॉन 100, क्योंकि मैंने परसेंट हट करके 1 अपॉन 100 आ जाता है, ठीक है, तो 0 से 0 गया, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12 2 9 18 और एक 90, 192 इसका आंसर है, ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी समझने की, ये होता है डिवाइड का साइन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब आता है आपके 5 क्वेश्चन पर, जैसे 5 भी क्वेश्चन ये बोल रहा है, 3 के बीच में आपका दिखाई दे रहा है हाइफन का साइन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइफन का साइन, ठीक है, एच वाई पी ई एन हाइफन, ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 3/4 किसी नंबर का, हमें तो पता नहीं क्या नंबर है, मैंने मान लिया एक्स, ये जो है ग्रेटर है किससे, 2/3 ऑफ इट, उसी नंबर का 2/3 ऑफ एक्स का, और कितना प्लस 15, कितना ज़्यादा है प्लस 15 ऑफ इट बाय 15, क्योंकि ग्रेटर लिखा है इसलिए प्लस होगा, लेस होता तो माइनस कर देते हम, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करिए, 3x/4 2x 2/3x इधर ले जा करके माइनस 2/3x इक्वल टू 15, नीचे 4 आ गया एलसीएम, ठीक है, 4 आ गया नीचे एलसीएम, 4 3 जा 12 3 3 जा 9x 3 4 जा 12 4 2 जा 8 इक्वल टू 15, 12 उधर चला जाएगा और 9x में से 8x गया, x बचा, 12 उधर चला जाएगा, 15 इंटू 12 क्या होता है शायद 180 होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें वो नंबर जानना था, वो नंबर क्या है 180, क्या है वो नंबर 180 है। अगर इस क्वेश्चन में या ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं इसमें आपको किसी में भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ 5 तक कोई सा भी नंबर डाउट हुआ, कौन सी सा भी क्वेश्चन डाउट है तो आप वो लिख दीजिए, मैं करा दूंगा दोबारा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज ग्रेटर, भाई मान लो लेट मान लो नंबर एक्स ग्रेटर है देन इट बाय 50%, मतलब एक नंबर है ये नंबर ग्रेटर है इसका 50%, 50% ऐसे लिखते हैं, कितना ज़्यादा है 75, कितना है 75, अगर आप इसे डिवाइड करो 5 टू क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 75, ये इधर चला जाएगा इधर 75, नीचे एलसीएम ले लूँगा मैं, ये इधर 2x माइनस एक्स इक्वल टू 75, 2x में से माइनस गया x तो x बचा अपॉन में 2 इक्वल टू 75, 2 उधर चला जाएगा x इक्वल टू 150, ठीक है, x क्या आ गया 150 आ गया, हम पे वो नंबर तो आ गया। अब ये कह रहे हैं उस नंबर का 25% कीजिए, क्या करिए उस नंबर का 25%, 150 ये लिखा है इनटू 25% 25 अपॉन 100, 25 चौका 100, 2 75, 2 2 जा, तो मतलब कि 75 अपॉन 2 इसका क्या है आंसर है। तो ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये टाइप 10 था, आप टाइप 11 कराऊंगा और फिर 12 कराऊंगा, फिर 13 और 14,
चार टाइप और बच रहे हैं और आपका नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर सिस्टम चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे बाहर सीटेट और यूपीटेट में नहीं आएगा, जो आएंगे भी मैं कुछ अलग से भी कराऊंगा अभी। ठीक है, अभी तो नहीं, मतलब बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।